डांस करके दिखाओ पहले। किससे ज्यादा प्यार करता हूँ? गाड़ी के मालिक तो आगे बैठते हैं, ड्राइवर बैठते हैं आगे। गर्मी कितनी है यार, मारा आगे कान पक के सुन सुन के। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो कब आएगी स्कॉर्पियो? चन्नी में चरी चन्नी। राम राम। राम राम। कहाँ चल दी सवारी? जा रहा हूँ यार, कुछ जरूरी काम है। तो विदेशी होने वाले हो? क्या कर रहे हैं? बच्चों का रिन्यू करवाया था, पासपोर्ट बनवाया था। तो अकेले जा रहे हो, बच्चों को भी ले जा रहे हो? मेरी बात ये है, ये बच्चों को भी ले जाओ ना। कहाँ? लंदन। तो आप चलोगे तो ले जाएंगे? तो ये मैं भी आपका बच्चा ही तो हूँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ बच्चों को चलो चलो। पासपोर्ट वगैरह है? सब कुछ है जी अपने पास। वीजा तो लगवा लोगे? सब वो ही मैं लगवाऊँ। वीजा भी है मेरे पास, सब है मेरे पास। चलो फिर टिकट बुक कराओ। मैं एक बार लंदन जाने वाला था, अंग्रेजन से मेरी बात चल रही थी, फिर अंग्रेजन फैल गई साली आखिरी, दही बड़ा कर दिया उसने मेरी इज्जत का। घुस गए यार। देखो आपके चश्मे में साफ दिख रहा हूँ कि मैं बनियान में हूँ। यार आप तो मेरे साथ चलने वाले थे, वो धोखेबाज हो। ना ना ना, शिवा को स्कूल छोड़ना है, फिर दोनों बच्चे इधर ही है, फिर मैं आजकल क्या गलती से जिम भी तो जा रहा हूँ। लेट मत करा फिर मेरे को, टाइम पे निकला करो। जी टाइम पे ही हूँ। तो भाई अपनी क्रेटा को देख लो एक बार और ढंग से, फिर प्लान बनाओ दिन में बंदे वाला जी चलते हैं बच्चों के साथ। ठीक है ठीक है। जय श्री राम भाई लोगों, सभी भाई लोग कैसे हो? मस्त हो, मजे में हो? तो मजे में रहना चाहिए। आज एक और नया व्लॉग लेके आऊं। जब से शेव हटी है ना तब से बार बार यूं हाथ जाता है, यूं। अब लेकिन कुछ ताम झाम बचा नहीं तो भाई करे क्या। और रात को पता है नींद में क्या हुआ, कई बार जैसे शेव थी तो यूं करते थे ना, तो भाई यूं बहुत जोर लगाना पड़ता था। अब रात को मैंने उसी जोर के साथ कर दिया तो भाई नींद खुल गई, एकदम भयंकर चुभ गया हाथ। शेव होने के और ना होने के बहुत सारे फायदे हैं, और वो फायदे मुझे अब एहसास हो रहे हैं कि धीरे धीरे शेव रखने से तो क्या नुकसान था, ना रखने से क्या नुकसान है। शेव राख बहुत सबसे बड़ा फायदा जो भाई गोरो लागे, अब मन ये लगे ओ एरियो दो कालो और ओ गोरो, दो तरीका स्किन का कलर दिख रहा है अलग अलग। जब थे लोग देख रहे हो, जब आप मीटअप की लोकेशन पर था मिल रहे होला, तो भाई तुरंत निकलो और आ जाओ शरद मैरिज गार्डन, प्रताप सर्किल चौराहे, रावण गेट। ठीक चल भाई, शरद मैरिज गार्डन में ब्लड कैंप चल रही है, मैं बैठे मिल रहा था ने। तो भाई ये देखो छोटा टिंडा बैठ चुका है। शिवा कैसा लग रहा है? मामा चलो ठीक है, हिमांशु मामा क्रेटा चोरी करने चलते। चोर बनोगे क्या आप? और बाहर निकालना, और यहाँ पे बैठा टिंडा और ये बैठी टिंडी। कहाँ जा रहे हो भाई? जीवा की स्कूल। जीवा की स्कूल? स्कूल नहीं जा रहे हम, तो घूमने जा रहे हैं ना शिवा। yes. हिमांशु मामा पास जा रहे हैं, समझ रहे हो? तो लेट्स गो। पीछे पीछे से ना अभी पुरानी जिंगल बेल स्कूल दिखी थी मुझे। ओ, जो जिसमें आप जाते थे? हाँ। अरे वाह, तो वहाँ पे जाते थे बहुत रोते थे, आप याद है? और ये भानु भैया को तो दो मैडम लग के लेके जाती थी भाई साहब, गेट वेट पकड़ के नहीं जाना मामा। करते थे भानु ऐसा? छुट्टी बनाने के लिए। तो आप तो आज भी ऐसे ही करते हो? स्कूल में कोई मारता थोड़ी है तो आपको? नंदनी मैम से। नंदनी मैम से क्या डरना है? पीयू मैं कल कंप्लेंट करी आया था ना, पीयू को एक मैम डराती है। नंदनी मैम? वो स्कूल में है ना जो, वो डराती है, पीयू डर जाती है उससे। आप गोली मार दोगे? हाँ। मैम को समझा दोगे क्या आप? क्या समझाओगे? कैसे मारते गोली? पीयू पता है क्या बोला? क्या बोला? पीयू को मेरे साथ लेके जाऊंगा और फिर है ना गोली मार दूंगा। पीयू से प्यार करते हो या फिर बानू से प्यार करते हो? पीयू से नहीं करते? पीयू से नहीं करते क्या प्यार? अच्छा दोनों से प्यार करते हो? शिवा को छोड़ने देखो कितने जने आए हम, एक दो तीन और मैं चार। हाँ हिमांशु मामा पास जा रहे फीस जमा कराने। पीयू आपको अंदर रख लेंगे पढ़ाने के लिए आज। अरे वो तोड़ना नहीं है ये सब, अरे छोटे बच्चों का आ जाओ, अब छोटे नहीं हो आप। पीयू आया क्या मजा? तो पीयू अब मैं घूमने जाऊंगा ना जब आपको नहीं लेके जाऊंगा। क्यों? मैं कभी जाना है। आप रहने दो, आप कुछ बोलते तो हो नहीं, चुपचाप पड़े रहते हो। बोलोगे फिर? डांस करके दिखाओ पहले, है इधर करके करो। अरे वही चल बैठ जा। तो भाई चलते लोग घर की तरफ, और पता नहीं क्या हो गया यार इधर व्हाइट व्हाइट सा हो रहा है बार बार, स्किन ड्राई होगी इस वजह से हो रहा है। हाँ? मैंने क्या नाचा रे? तो भाई अब चलते घर पे, इनको छोड़ता हूँ फिर निकलता हूँ जिम। घर आके और जो स्किन ड्राई हो रही थी ना वहाँ पे लगाई क्रीम व्रीम, तो अब थोड़ा एकदम साफ हुआ है, इस साइड से ज्यादा हो रहा था भाई, तो अब जाते हैं एकदम जिम। तो भाई एक्सरसाइज वेक्सरसाइज तो अपने को एकदम कंप्लीट, अब देखो पसीना कितना खतरनाक है। अब गाना बज रहा है तो ज्यादा बढ़ा नहीं सकता वरना कॉपीराइट आएगा। वो सामने राजीव और ये अपनी खड़ी गाड़ी, और गाड़ी बन चुकी है भट्टी। जैसे कि आप लोगों को मैंने कहा था कि 20,000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं एक छोटी सी ट्रिप पे जाऊंगा, तो ट्रिप प्लान की है मैंने गुजरात साइड की। तो ट्रिप पे जाने का विचार तो स्कॉर्पियो से था, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अपनी स्कॉर्पियो अभी नहीं आ पा रही, ऑर्डर में डाली हुई है, देखो कब तक आती है, एक महीने में, डेढ़ महीने में, दस दिन में, पांच दिन में, जैसी आएगी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो उससे पहले अपन इस गाड़ी की सर्विस कराएंगे, उसके बाद अपन निकल पाएंगे ट्रिप पे। तो इसको छोड़ देते सर्विस सेंटर पे और फिर निकल जाते कहां? घर पे। भाई गाड़ी ने सर्विस छोड़ यार, सारा जमड़ा लिया हाथ का माइन, अब घर जाओ सब पैदल पैदल। पापा क्या बेटा? भांडिया का अच्छा लग रहा है क्या मेरा? आपको दिखाओ तो सही। बिना देखे बताओ। बिना देखे बताऊं? हाँ। यार ये तो आप अजीब ही डम डाल दियो, बिना देखे कैसे बताऊंगा? किससे ज्यादा प्यार?
किससे ज्यादा प्यार करता हूँ मैं भैया? मेरे लैपटॉप से ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर अच्छा आप दोनों में से किससे ज्यादा प्यार करता हूँ? आपकी तो दिखी नहीं रही। यार मानू पीयू बावली हो गई क्या? बिना देखे कैसे बताएगा यार? क्या पियो? अर्थ 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 नहीं तो अर्थ भी बनाइए तो कैसी बनाइए मुझे क्या पता, मैंने देखा थोड़ी है। पियू बताओ ना फिर भैया मेरा लैपटॉप भी अच्छा है या फिर मैं अच्छा हूँ। और भाई आज मैंने पहना नेताजी वाला शर्ट, देखो आपको ये देखो भाई इस शर्ट के अंदर एक मिस्टेक है, ये शर्ट जैसे जैसे सल बढ़ती है नीचे से छोटा होता चला जाता है और अभी लग रहे हैं अपन एकदम रफ लाला और बिल्कुल काला। देखो आप ये देखो सिस्टम लग रहा है कि नहीं भैया? शर्ट मम्मी छोटी होगी मोटोरी जो मैं देखो ग्रीन कलर की पैंट जी आड़ी एक ऊपर व्हाइट शर्ट अच्छी लगे और दूसरी शर्ट पहन तो खिल तो कौन है? नहीं खिल तो फिर था जच तो कौन है? नहीं ड्रेस भी देख लियो ठुमका के पीछे राज ही ड्रेस से चला रमजोड़ हाँ चल तो नाचती रहे तू है मैं जा रहा बंदे का बाला जी लैपटॉप साथ में ले ले क्योंकि एडिटिंग करनी है और बाकी की गैंग बैठी है गाड़ी में कुर्ते पजामे ओ शीशा बंद खोलो ना आवाज नहीं आ रही देख लो मोटा पाको राज मैं पिचक रही हूँ पीयू देखो बेटी एकदम सेठानी की जो बेटी है बानू राजा तावलो वाला कर मम्मी मैं पतलो तू जदी तू पिचक रही हूँ और दीदी देखो कहीं बैठी जाके गाड़ी के मालिक तो आगे बैठते हैं कनेक्टर ड्राइवर बैठते हैं आगे क्या रोस्ट किया यार मम्मी चलो आ कंडक्टर जीजा जी ड्राइवर तो बीच में कुछ मालिक मालिक जीजा जी देखो मम्मी ने पंच मारा ना मस्त दीदी मम्मी खुद की गाड़ी का लाइट टाइम मार वाला की ज्यादा और फिर भी ड्राइवर भी लगी अभी तो आई भी नहीं हमें वो यार ये गाड़ी की बात कर रही हूँ मैं ये गाड़ी की तू मालकिन जी चल कोई बात कुछ शीशो खोल रही है कहते बंदे के बालाजी प्रैक्टिस हो जाए धरी तो भाई बालाजी महाराज के जा रहे तो एक बार जयकारा हो जाए बोलो बालाजी महाराज की जय। 2 किलोमीटर चले को ना जी पहले नारियल पानी चालू होगा के यार एक काईगर का जमारी साथ तो रोड में से थोड़ा जा रहे हैं रोड में से जाओ मत जाओ जी थोड़ा तो चलो यार 2 किलोमीटर चले हो फिर आपको नारियल पानी चाहिए। गर्मी कितनी है यार मारा आगे तो गाड़ी चला रहा है मेरे से आराम से बैठ गया पीछे काईगर से गाड़ी मेरे से चला रहे हैं। ये जो देखो क्या है आप वो मालिक तो मालिक बैठते आगे और ये देखो हमारे लिए नारियल पानी। थैंक यू सर जी ऐसा हम VIP फील ले रहे हैं। ड्राइवर साहब पेमेंट कर देना आखिरी में हम करेंगे। अच्छा आप करोगे क्या मोटा भाई पैसे वाला? तो भाई मैं तो आराम से अपनी एडिटिंग कर रहा हूँ। अच्छा आप भी एडिटिंग कर रहे हो? और बानू भाई बानू तो लड़ाई कर लिया पीयू से गोद में बैठा के छोड़ा पीयू को। पीयू ये ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है ना मम्मी को दी? कोई बात नहीं बेटा अपनी स्कॉर्पियो आने वाली है अपन फिर पीयू लोड नहीं लेंगे पावड़ा वावड़ा की गाड़ी। ओ पावड़ा आई एम स्कॉर्पियो इज कमिंग एंड देन आई एम गोइंग बंदिया का बालाजी विदाउट इन्फॉर्मिंग। और मारो पानी ओ मारो कान पक्के सुन सुन के स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो कब आएगी स्कॉर्पियो? जी जब कान पक्के ठीक हो जाएंगे उसके बाद आएगी स्कॉर्पियो। जब आएगी ना कि माँ का रोला मचाएगी रोला। ऊंचा मॉडल ले ले आज मिल जाएगी। अरे ऊंचा मॉडल ही ले रहा हूँ जी जी 4x4 नहीं ले रहा वैसे तो दिलाओ तो सही कोई 4x4 भी ले रहा है। सुनो सुनो अरे ले रहा है फिर। अच्छा सुनो आप क्यों जानकारी थी ना गुड़गांव वाली कहाँ गई जानकारी चलना पड़ता है उसके लिए। अरे जिया जी सुनो खर्चा करके जाना पड़ता है। सुनो मेरी बात जब गाड़ी मिल जाती है ना खर्चा करना पड़ता ना जाना पड़ता तो गाड़ी आती है खुद दुआओं मन गाड़ी सर पे बैठे जब दवा होगा। अरे जिया जी गाड़ी लिया वो गाड़ी काम करने वाला है गाड़ी जाके बैठने से नहीं आएगी कोई ट्रक थोड़ी लेने जा रहे हैं पीना है ना भाई सब नारियल में पानी चौगी मलाई इन पानी चाहिए मलाई है बताओ दो नीचे मतलब माला माल होगा। पहुंच चुके बालाजी महाराज की और पीछे वाली गैंग देखो पूरी। अरे उठो पीयू गाड़ी में जाओ यार नहीं लगता है कि पिताजी के पास बैठे हैं ठंडी छाया में बैठे हैं ऐसे हो जाती है। थार गणी को लीक सुनानो मार गणी लीक पिताजी रहे पिताजी नहीं है पिताजी का मतलब फीताजी पिताजी। और जीजो जी कटी क्यों शौचालय जीजा जी कहीं ना मिले तो कहाँ मिले शौचालय। राम राम जी राम राम जी बनू बालाजी के आगे ना तो क्या लाख बोला की जी बाबा जी किसी क्या हुआ बेटा कुछ ही नहीं नींद आई ना गजब की। भाई साहब अपन अपना सब्सक्राइबर मिला जो एक नारियल आंकन भी ले लिया काई नाम था वो इंदर साई जी लो जी मोटो सो दियो हमारी मम्मी बक्से कौन से कोई हो जाए बालाजी दूनो से देखो आज कितनी तेज चाल रही है पीयू दूना है दोख दे लो जानते हो दूना बालाजी की जोत है। तो भाई शनिवार को दिन आज बालाजी महाराज का दर्शन कर लो सबका सब हंसोगे तो की दूंगा हंसो डांस करके दिखा दो बेटा बच गया आज तो फोन फिर कभी तो लेंस फोड़ेगा ये अंकल ले बस कहीं मन की इच्छा पूरी हो जाए अंकल लेते हैं हां कहीं ले घंटा भर मर्सिडीज आवली गई घंटा भर में दे दे लो बाबू फिर देख ले करना प्यास दे लो कहीं आवली स्कॉर्पियो को ले देंगे कत्ता का आवली 15 दिन में आवली गई देखा कहीं आवली गई 2 4 6 8 9 ओड़ आ गए तो 20 दिन के लिए 20 दिन का 20 दिन में भी कौन आओ चोको अब एक बना गले गेहूं ही सही कौन है नहीं एक ओंकारी है
वो डाकड़ो आगो जो को नहीं है कोई नंबी जो श्रद्धा मनमो जो वही काम हो जाए। अब तू ये सोच ली भाई ले बस मनीचा पूरी हो जाए लेंगे। क्या मनीचा है आपकी? देव भाई जी दे मैडम मखाना बट रहे हैं। क्या पियो आप भी खाओगे? पियो मन की इच्छा बोलो क्या है बताओ। अच्छा मेरी मन की इच्छा मैं खुद बोल दूंगा आपको क्या है। मम्मी मैं तारा नाम को बैंड बजा दूंगा आज। भाई बजा बड़ी बेटी। भाई बजा जी को बैंड मम्मी को बजा दे। चौको बजा रही तो आपका जानवा सारे इसे देवी नारायण जी को मंदिर अब अठा आ रहा सारे का तो जानता हूँ पर मैं पहली बार ही आई जी मंदिर का मायन और मम्मी ले रही भाई कह नहीं देवी नारायण जी को मंदिर तो शूज इकट्ठा हो गया अंदर तो ऐसे भागते क्यों हो घोड़े की तरह कर रहे हो डाल लो ऐसे डायरेक्ट ही लो प्रसाद दो मेरे को थोड़ा सा मस्त है ना मंदिर ये वाला प्रसाद मिला ना या मीठा मीठा। एक तो हम मंदिर की घंटी इतनी ऊंची रह जाएगी आज दोनों टावर उठा उठा और घंटी बजानी पड़ रही है। घंटी बजने बजे हमारे कमर की घंटी बजे भाई अरे तो बेटा वो डोंकी क्या तो डोंकी तो शेर थोड़ी है। अच्छा मैं हूँ डोंकी है। अच्छा पापा कैसे बोलती है डोंकी की बेटी क्या हुई छोटी डोंकी नहीं फिर मंकी नहीं फिर हनुमान जी। हाँ हनुमान जी बैठे देखो कत्ती सारी खिलौना की दुकान से पी इधर नजर मत डालो क्यों क्या चलो उधर जिद क्यों करोगे चलो सीधे क्या चाहिए। अरे नहीं पैसे नहीं लेके आए सच में। अरे डीजे ले गया मैं अभी ले गए अभी ले गए। अरे भाई साहब कहीं को ले लो लेगा बार तीन डीजे को लेगा। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ वो देखो मोटा भाई और बैठे कहीं ले रही जो अम्मी। अरे ओए अच्छा क्या लेना है अच्छा सुनो पियू डीजे चाहिए था ना डीजे आपको डीजे मिल जाएगा। अरे डीजे बढ़िया वाला लिया है। अरे इससे भी अच्छा लिया डीजे ठीक अभी लेते हैं आ जाओ पहले बालाजी के दर्शन करके आते हैं। आओ 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 मैं जा रहा हूँ आ जाओ आ जाओ पियो खिलौना की दुकान दिखता है तो खंडा की दार हो जाओ छुटा वो पिंड अने ई मूर्ति का दर्शन करा ले रहे क्या पियो क्या देखू तो भाई मूर्ति देखो कितनी प्यारी है। क्या बोल रहे थे नाखून के बारे में आप पूरे आप इतने से हो ना देख लो आप बालाजी महाराज कितने मजबूत थे ना कितने साल लगे होंगे इसको बिल्ड करने में। ये मूर्ति किसने बनाई होगी? ये मूर्ति बेटा कारीगर ने बनाई है। हाँ 1000 साल लग गए होंगे बेटा है ना बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे। अंदर नहीं जा सकते बेटा बाउंड्री लगी हुई ना देखो कतरा सारा बढ़िया जानवर दी गया आज। ये पापा का फ्रेंड मेरा फ्रेंड है आपका फ्रेंड नहीं है ये फैमिली मेंबर से। अच्छा मेरे फैमिली मेंबर तो आप भी यही हो। अच्छा ये है कि वो चले फैमिली मेंबर वो यार लेके आए आज पिकअप वाला डीजे तो शिवा शादी में भी डीजे बजाओगे अब आप लेके जाओगे डीजे बजाने बजा रही है ना मम्मा दीदी बढ़िया से गाना लगा यार भाई चलो भाई ये देखो शिवा की नई गाड़ी जयपुर के लिए वापस निकल गए और आधे रास्ते में पहुंच भी चुके हैं और जयपुर पहुंच जाएंगे मात्र कितने देर में जी 35 मिनट भैया जीजा जी पूरा ऊबर की फैसिलिटी दे रखी है आज हमको जी गाड़ी एकदम रिलैक्स होकर चलाओ आप आराम से चलती है अपनी गाड़ी तो अपनी गाड़ी है आराम से चलती है अपनी गाड़ी आराम से बैठो जी जी कैसे कंडक्टर पाले इनको तनखा सही नहीं देते क्या आपका थोड़ा देते कंडक्टर को फिर दिहाड़ी देते हैं दिहाड़ी देते हो क्या काले चुन्नी में चुन्नी में चोरी चुन्नी में परफ्यूम लगा ले ओए पानी डालेगा पानी पानी देख गीला कर दिया यार मेरे पे पानी डाल सर ब्लॉक के बाद में अब ये लो कल जाओ यार मम्मी आजकल कहीं दूर है हमारे साथ आ रही जो प्रैंक कर जो मानो हम दोनों गीले हो गए मानो गीला कर दिया आपके साथ ही प्रैंक हो गया क्या मेरे चक्कर में आप भी पिस गए इसको कहते हैं गेहूं के साथ गुड़ पिसना पिस गए ना आप भी थोड़ा सा गीला हुआ कोई बात नहीं पीयू के पजामे में से है ना गोटे दिख रहे हैं मैं तो थोड़ा सा गीला हुआ था आपको तो पूरा गीला कर दिया यार बनो अब मत करना प्लीज पानी पीना प्यास लग रही है पीयू के जुकाम लगी हुई है। हां पीयू तो पहले से डफेक रही है क्यों फेंकना देखो इसको मजा आ रहा है क्या हुआ बाटी बनो कपड़े की खोल दी मैं गीला ऑलरेडी था मैं थोड़ी उतार दी सुखाने के लिए। वाह यार थोड़ा और पानी गिरता तो आप पैंट भी उतार देते देख लो आपके बच्चे ऐसे हैं गीले में तो कपड़े खोल दिए समझदार है ना हमने तो गाड़ी में ही घर बना दिया। अरे नहीं बेटा ये दो तर चोर बना दिया गाड़ी को अपने पेंट भी उतार दो ये तो गाड़ी का नसीब है चड्डी भी नहीं पहना हुआ। अच्छा कभी तो गाड़ी में बड्डे होता है कभी गाड़ी में कपड़े सूखते हैं।
ये अपनी रानी होगी एकदम तैयार फर्स्ट क्लास चमाचम। देखो एकदम अब भेंट तो फिर भी ला गई है, बाकी अंदर सुते देखो भाई एकदम साफ सफाई सुखाम जो बहुत तरीका सुते देखो एकदम बिल्कुल क्लियर तो माचर है माकिर है तो सारा तैयार ही रह जाए गाड़ी के माए चालू कर बस। पर भाई एक बार जो गाड़ी धुले बाद में एक अलग ही फील हो जाए गाड़ी के माए चाहे चलाओ चाहे मत चलाओ। अब अपन कहीं से छोटो सा दो तीन काम जो एक काम तो कहीं कोई सिग्नेचर कराना पेपर पे बे कराओ जा दूसरो काम कहीं से घर जाओ पास ही हुआ डायरेक्ट थैली से दूध पी रहे हो दूध पीते बच्चे हो क्या। अरे नानी फोन क्यों चलाती रहती है फोन चलाओ क्यों चला रही है फोन फिर नहीं चलाऊंगी नहीं चलाऊंगी। और पियो आप क्या बोल रहे थे आपको कहीं से पीना है दूध था आप छोटे बच्चे थोड़ी हो यार कोई दूध पीते आप तो डायरेक्ट पिया करो बताऊं कैसे मैं आपको एक दिन भैंस से डायरेक्ट दूध पिला के लूं। भाई आप पिकअप देखो आपका काला जासू ज्यादा जोर लगा रही है। डीजे वाले डांस करो शिवा डीजे वाले अरे टूट जाए लो ये क्या कर रहे हो स्कूल लेके जाओगे स्कूल ले जाके क्या करोगे फिर गाना चलाओगे डेमो दोगे स्कूल में क्या पूछ रहे हो आप बानू से बानू से ये पूछ रहा हूँ एक वीक में कितने दिन होते हैं कितने दिन होते बेटा कितने दिन 10 दिन होते हैं। अच्छा और एक महीने में एक महीने में 31 दिन। अच्छा एक महीने में तो 31 दिन और एक हफ्ते में 10 दिन और पूरे साल में 10,000 दिन। अरे एक हफ्ते में होते 7 दिन एक हफ्ते में और मंथ में किसी में 30 और किसी में 31। और बाबा क्या कहीं जो आज को दिन बढ़िया सो मैं बोल रहा हूँ कि क्या बोलते हैं जब घर में ब्लॉग स्टार्ट होता है ना तो मैं जी डायरेक्ट चश्मा निकाल हाँ बाबा चश्मा क्यों निकालते हो ब्लॉग चालू होते इसके पीछे का कारण दुकान पे तो नहीं निकालते दुकान पे पहन के रहते ब्लॉग चालू होते चश्मा क्यों निकाल देते पापा या कौन सा अक्सर फटना है तो चश्मा लगा के अच्छा आपको लगता है चश्मे की वजह से सुंदरता छुप रही है ऐसा नहीं है पापा आप पहले भी अनिल कपूर लगते थे आज भी अनिल कपूर लगते हैं इसी बात पे एक बार चश्मा पहन के दिखा दो पहन के अच्छा चलो भैया शेष्ट तो व्लॉग ने एंड कर दिया वो कर तो भाई आज के प्यारे से व्लॉग को करते यही एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार सब्सक्राइब। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आसपास कूड़ा कचरा मत फैलाओ।